मोदी जी टीएमसी के एक दमदार सांसद कल्याण बनर्जी, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, वहीं सदन के अंदर भी कल्याण बनर्जी एक जबरदस्त वक्ता है। कल्याण बनर्जी अपनी वकालत का पूरा फायदा सदन में उभाते हैं। सदन में कल्याण बनर्जी सरकार पर जमकर हमला करते हैं। That all leaders of the Trinamool Congress will be arrested by the CBI and landed up at Bhubaneswar. It has been said, madam, kindly allow me. अपने भाषण देने के कौशल से कल्याण बनर्जी सरकार को असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की बात हो तो कल्याण बनर्जी सदन की कार्रवाई में भी आगे दिखते हैं। And today, when Modi ji comes and delivers speech, Modi ji, a big circus, a big circus. What is the comparison between the 15 Lok Sabha BJP members and 16 Lok Sabha BJP members? All are circus. They are all making circus in this house. सदन में लगभग 67 दिन कल्याण बनर्जी उपस्थित रहे हैं। लोकसभा में इनकी अटेंडेंस लगभग 74.44% है, लेकिन सदन के अंदर कल्याण बनर्जी जितने जबरदस्त वक्ता हैं, उतने ही उत्साह से सदन से सवाल पूछने के मामले में कल्याण बनर्जी थोड़े पीछे दिखाई देते हैं। Assessment or taking any steps? कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में महज 16 ही सवाल पूछे हैं। सदन में सवाल पूछने के मामले में कल्याण बनर्जी थोड़े पीछे नजर आते हैं। इस बार के मॉनसून सत्र में कल्याण बनर्जी की ओर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। पिछले शीतकालीन सत्र में कल्याण बनर्जी ने कुछ सवाल जरूर सदन में उठाए थे। नौकरियों के जाने को लेकर कल्याण बनर्जी ने पिछले शीतकालीन सत्र में सवाल पूछे थे। वहीं लोकसभा में हुई डिबेट्स में भी कल्याण बनर्जी थोड़े पीछे नजर आते हैं। सदन में हुई डिबेट्स में कल्याण बनर्जी ने 32 में हिस्सा लिया है। कल्याण बनर्जी तीसरी बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए हैं। संसद में अपनी आक्रामक शैली के लिए भी जाने जाते हैं कल्याण बनर्जी। हर स्टेट में नारा है बीजेपी तुमको जाना है, हर घर पे नारा है मोदी तुमको जाना है, हर घर पे नारा है मोदी तुमको जाना है। अरे शेर का ऊपर ख्याल रखना, याद रखना। कल्याण बनर्जी का जन्म 4 जनवरी 1957 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुआ। कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। कल्याण बनर्जी बीकॉम एलएलबी ग्रेजुएट हैं। बांकुरा समिलानी कॉलेज बांकुरा और रांची लॉ कॉलेज रांची झारखंड में शिक्षित हैं। वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अक्सर तृणमूल कांग्रेस के लिए कई मामले लेते रहे हैं। वे 1981 से कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके द्वारा लिए गए मामलों में रिजवानुर रहमान केस, नंदीग्राम से जुड़े मामले, छोटा अंगारिया केस, भिखारी पासवान केस, सिंगूर में धारा 144 का प्रभाव और विभिन्न भूमि अधिग्रहण मामले शामिल हैं। अधिवक्ता से राजनेता बने कल्याण बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं और 2009 में पहली बार सांसद के लिए चुने गए थे। 2014 में भी कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की और जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं संसद के अंदर कल्याण बनर्जी की शैली देखने लायक होती है। तथ्यों के साथ टीएमसी के सांसद बनर्जी सरकार पर जबरदस्त हमले करते हैं। How the BJP and the Honorable Prime Minister Narendra Modi can use this CBI as a weapon to wreak the vengeance against the Trinamool Congress?